किसान साथियों, आप सभी के लिए एक बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल फार्मिंग में। किसान साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्याज किसानों के लिए क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। किसान साथियों, अगर मैं बात करूं अभी के प्याज के भाव की, तो अभी का जो प्याज का भाव हमें देखने को मिल रहा है वो 40-42 रुपए तक किलो का देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि प्याज का जो भाव है वो 110 रुपए के पार जा सकता है। अब वो क्यों जा सकता है? तो किसान साथियों, 268,000 हेक्टेयर की जो प्याज की फसल है वो बरसात के कारण बर्बाद हो चुकी है। और साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि इस साल जिन किसान भाइयों ने प्याज का स्टॉक किया था या व्यापारियों ने प्याज का स्टॉक किया था, वो प्याज भी अब खत्म हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये अखबार है इसमें भी यह प्रिंट किया जा चुका है कि प्याज का जो भाव है वो 110 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जा सकता है। प्याज की जो बुआई है वो लेट भी हुई है और प्याज जो है मंडियों में भी लेट आ रहा है, जिसके चलते प्याज की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और प्याज की डिमांड के चलते ही अभी हमें प्याज के भाव में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। किसान साथियों, अगर प्याज का भाव 110 रुपये किलो के हिसाब से जाता है तो यह प्याज किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि किसान साथियों, जिन किसान भाइयों का प्याज का नुकसान हुआ है वो इस भाव से अपनी भरपाई कर सकते हैं।